वेलकम डियर स्टूडेंट, मां या सजाद हुसैन मल्ला या जो असानी क्लास फर्स्ट ईयर जी बायोलॉजी चैप्टर नंबर वन में जो लेक्चर हुआ असो वाटर उन जो पार्ट टू लेक्चर है जिनमें कुछ पानी जो कुछ अड़ी खासियतू आन जे कें बे लिक्विड के अंदर भी मौजूद होंगे पर खास तौर से पानी के अंदर उन पेरी जी उनकी खासियत है वह है कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। कोहेशन या कोहेसिव फोर्स चाहबो आसान एक्सप्लेन क्यों अड़े किस्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमेशा बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ सेम सबिस्टेंस कें भी एक ही शे के अंदर जो मालिक्यूल हूँ उ मालिक्यूल पान में एक बे के शिकींदा ए डू नॉट अट्रैक्ट अदर बेन मालिक्यूल के या पास वाले मालिक्यूल के पान न शिकन बल्कि जै शे जो मालिक्यूल आन उो पान में अट्रैक्ट लगा पाया हुजन अड़े किस्म के उन फोर्स के कोहेशन चवंदा लाइक इट जी मिसाल तौर वाटर आए फ्लो इन प्लांट्स उन बाद में वाटर फ्लो इन प्लांट्स जो बूटन के अंदर पानी फ्लो कह एंड वाटर फ्लो एज अ प्रोटोप्लाज्म जो पानी असाने ब्लड में मिक्स हों जैसे पानी ब्लड में मिक्स थी कर ब्लड से गड हरकत कर रगुन में तो उनके चेबो प्रोटोप्लाज्म इन ब्लड इन साइड द ब्लड वीजल जो रगुन में पानी हरकत कह पर ब्लड से गड रगुन से अटैच जो है वो घटि ब्लड जहाँ मालिक्यूल सिर्फ पानों पान से अटैच थे हूँ बल्कि वे रगुन से अटैच घटा हाँ जैसे भी एकड़ी शे जहाँ मालिक्यूल बी शे के मालिक्यूल से अटैच न थन तो अड़े किस्म के सेम अट्रैक्शन के पाँच पान वाली अट्रैक्शन के चब है कोहेशन। जी अस कोहेशन जो मिसाल है तो जैसे कें कंटेनर के अंदर मालिक्यूल्स पयान उ मालिक्यूल्स पाँच पान के सिर्फ अट्रैक्ट कन था पर जै बर्तन में जै थाव में जै सिलेंडर में ये पयान उन साइडन के ना चिपकन तो अड़े किस्म के इन फोर्स के कोहेशन चवंदा सिर्फ पाँच पान में। इन में मिसाल है असो मरकरी जो हाँ मरकरी पारो हों खास तौर पर इनको इस्तेमाल थर्मामीटर में थी तो जी थर्मामीटर में टेम्परेचर शो करण का या मरकरी वरी वापस पान जाए तो मोटी इंदी है थर्मामीटर में शीशे में पासन का कें भी जाए न चिबड़ी जो कदें कदें बालपेन में इंक जहाँ इस्तेमाल वी तो इंक जो थोड़ा हिस्सो मथे ट्यूब में चिपकी पवन वो वापस निब के तरफ कप के तरफ न इंद तो ये इन अंदर न होजन घुर्जे। कोहेशन में सजो सजो पानी कें भी शे के अटैच न थे लुकिड कें शे के साइडन से अटैच न थे बल्कि वापस मोटी अचे 100% सिर्फ पाँच मालिक्यूल से गड तो उनके कोहेशन चवंदा उन बाद में आए अधेशन के चब कोहेशन जो ऑपोजिट टर्म अधेशन या अट्रैक्टिव फोर्स जो बी कें शे के भी चिपके अड़े किस्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मालिक्यूल माना एक शे जहाँ मालिक्यूल बी शे के मालिक्यूल के पान में शिकन उन चिंबड़ी वन अटैच थी वन तो उन्होंने चब है अधेशन ऑफ सबिस्टेंस इज कॉल्ड अधेशन लाइक वाटर वेट अदर सबिस्टेंस जी पानी बेन शय के चिंबड़ी कर उन्होंने आलो कर छी वेट अदर थिंग्स बेन शय के आलो कर छा माना वाटर जहाँ मालिक्यूल बी शे का अटैच थी सनता जैसे पानी कें शे के अटैच थी वे उनके आलो कर छे उन रिएक्शन करे तो उन में अधेशन फोर्स होंद अट्रैक्टिव फोर्स होंद कदें कदें कह पानी तेल से मिक्स न थी जैसे पानी तेल से मिक्स न तो थे तो उनके अंदर कोहेशन आए यानी सिर्फ पानी पांच मालिक्यूल के अट्रैक्ट कर सके तो तेल के मालिक्यूल के न तेल जहाँ मालिक्यूल सिर्फ पाँच पान के अट्रैक्ट कर पानी के मालिक्यूल के न तो अड़े किस्म के उन फोर्स के कोहेशन चबो आ जै भी लिक्विड में कोहेशन वो फोर्स होंद उ कदें बे कें लिक्विड में मिक्स ना अधेशन जो मिसाल है तो जड़ी शे बी शे मिक्स थी थी वे जो खीर में खंड मिला छिंदा खीर में पानी मिला छिंदा तो वह वाटर मालिक्यूल्स पान मिक्स थी वा या उनके अंदर अधेशन थी मिक्स थे वाली सलाहत है अट्रैक्शन वाली सलाहत है जो पानी खीर जहाँ मालिक्यूल मट हूँ पानी जहाँ मालिक्यूल मट जो पान में चिंबड़ी था वन या उन्होंने अधेशन वो फोर्स होंद स्पेसिफिक हीट का हीट चब स्पेसिफिक लफ्ज माना होंगी तो मखसूस माना कई लिमिटेड तुम कें शे के हीट जो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनीथिंग जैसे इतने ग्राम मेंशन न थल हो तो लफ्ज स्पेसिफिक भी न हों स्पेसिफिक लफ्ज माना होंगी कें लिमिटेड वजन के लिए लिमिटेड टेम्परेचर वे 1 ग्राम है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 ग्राम है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड 3 ग्राम है तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर वी तो वे तो अड़े किस्म के इक्वल इंक्रीमेंट के स्पेसिफिक हीट चबो जहाँ ग्राम तो टेम्परेचर भी उनके गर्म कर लगन जो बाल्टी पानी की गिलास पानी जो गर्म कर रखूँ तो पैं
गिलास पानी जो गर्म थी वो छोजे कारण तो उनमें ग्राम पानी या घट हूँ तो थोड़ी हीट से जल्दी गर्म थी वो बाल्टी की पानी की है तो उनमें पानी जो अमाउंट घणो हों तो इनके इलाही हीट खपंदी इलाही टाइम वो है यो है स्पेसिफिक हीट जो कॉन्सेप्ट। हीट ऑफ वेपराइजेशन चेब आ वेपराइजेशन लफ्ज माना अव बाफ थी वन पानी जैसे बाफ थी वे कोई भी लुकदे बाफ थी वे पर उनमें हीट जो इस्तेमाल थे तो उनके चेब आए वेपराइजेशन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लुकड टू गैस कें भी पानी आठ के गैस में तब्दील क्यों ए उनमें जो हीट खपंदी उनके हीट ऑफ वेपराइजेशन चेब आ द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज हाई या तमाम घनी थी वह 574 किलो के फॉर किलो किलो कैलरी पर किलोग्राम एक किलोग्राम से हेतरी 574 किलो कैलरी जी हीट खपंदी 574 किलो कैलरी एक किलोग्राम के लिए ब किलो हों तो इनके डबल कर छो टे किलो हों तो इनके ट्रिपल कर छो अदेशन जो मिसाल मैं तुम्हें मत दई आयम जैसे एक शे जहाँ मालिक्यूल बी शे मालिक्यूल के पान में छिकन मतलब ऐसो मालिक्यूल पानों पान दे भी तीर अथन पान के भी छिकन था पर ये मालिक्यूल उन बर्तन के उन पासन के भी छिकन था जिन जै बर्तन में उ पयान जैसे कें शे जहाँ मालिक्यूल कंटेनर के मालिक्यूल से अटैच थियन उनके आलो कर छन उन चिपकी वन या बी कें शे मालिक्यूल से मिक्स थी वन तो उनके अदेशन चेब आ दिस इज होल अबाउट द कोहेशन आर कोहेसिव फोर्स अदेशन या अट्रैक्टिव फोर्स स्पेसिफिक हीट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द वाटर। थैंक्स।